अब तो अरे आस पास आ रही बारात, करना इंतजार बार बार देना साथ। तो चीज़ें बहुत गड़बड़ हो गई बट अभी अभी बिल्कुल ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दी, तो वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और अभी मैं बना रही हूँ पेड़े पेड़े ही अगर मिलकर एक टाइप का बना रही हूँ, मतलब पता नहीं आज क्या बनेगा, कुछ तो गड़बड़ हो गया इसमें, तो मैं वो बना रही हूँ। और साथ में मैंने बनाई है छोले की सब्जी जो कि बन गई है और बनाऊँगी ओल इन द सेंस जिमीकन की सब्जी बनाने वाली हूँ। मैं आपको सारी रेसिपी शेयर करूँगी और मैं फर्स्ट टाइम ही जिमीकन को बना रही हूँ। इससे पहले मैंने जिमीकन कभी नहीं बनाया। मेरी शादी से पहले मुझे याद है पापा जब थे तो जिमीकन बना करता था घर में। उसके बाद मैंने अभी तक जिमीकन नहीं खाया है ना ही बनाया है ससुराल में भी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आज लोग बोलते हैं शुभ होता है जिमीकन लक्ष्मी मैया को खिलाने के लिए, मतलब भोग लगाने के लिए, सोचा क्यों ना जिमीकन बना लूँ। तो मैं साथ में बना देती हूँ, राइस भी डालना है थोड़ा सा, तो मैं मोबाइल को सेट कर लेती हूँ पहले। और बुरा हाल होता है दीपावली हो गई, दीपावली तो मेरे सारे काम एन मोमेंट पे हो जाते हैं जब से अर्जुन हुआ। अदरवाइज मैं दो तीन दिन पहले प्रिपरेशन कर ली थी। तो किचन का आधा काम ख़त्म हो गया था और इसके बाद सोचा पूजा की तैयारियां पहले कर लूँ, क्योंकि पूजा की तैयारी इंपॉर्टेंट थी। और यहाँ पे मैं आपको जो अनबॉक्सिंग करेंगी, बहुत ही अच्छा पैकेट है, इसमें सब कुछ था, सब कुछ जैसे कि आप देख पा रहे पूजा का सारा सामान, इवन मतलब जो हम नीचे कपड़ा बिछाते वो भी थकता है इसमें, धूप कपूर और ये बर्तन धोने वाला जो पीताम्बरी थी वो भी थी, वो पूरा पैकेट छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला हाल था। इसमें देखिए तोरण भी थी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, इस पर शुभ लाभ लिखा था, लक्ष्मी जी बनी थी और जो बोलता कलश टाइप का वो भी सब बना था, कुछ मंत्र भी लिखे थे। एक साइड गोल्डन था, एक साइड ये मैरून कलर का था, तो ये भी था इसमें। साथ में ये दो दिए थे जो कि बहुत ही सुंदर थे। और इसके अंदर इस पर फिर से देखा तो एक और भी सामान रखा हुआ था, मुझे पता भी नहीं था, आइडिया था वही भी सामान होगा इसके अंदर। ये स्टिकर्स भी थे शुभ लाभ वाले, और देखिए इसमें लौंग इलायची और ये सिंदूर अबीर और मतलब जो भी मतलब बोलते हैं ना कि देखो सुपारी कमलगट्टा जो भी पूजा में लगता है, मतलब जो चीज़ मैं जानती भी नहीं थी कि पूजा में यूज होता है धनिया, मैंने इससे पहले कभी धनिया नहीं पूजा में चढ़ाया, बट अविल मतलब था इसमें सब कुछ था, मतलब हल्दी चंदन कुमकुम मोली रोली मतलब जो भी होता है सारा सा, रुई की बत्ती सब कुछ था। और सारा सामान सेट करने के बाद हम लोग पूजा के लिए बैठ गए। तो बोलते ना कि घर में जो बड़ा होता है जेंट्स होते हैं मतलब वही पूजा करते हैं, तो मम्मी ने नहीं की इस बार, अर्जुन के पापा ने पूजा की। तो यहाँ पर हो रही है पूजा, पूजा सब लोग साथ में मिलकर करते हैं, तो थोड़ी सी लेट पूजा मतलब नहीं लेट नहीं हुई थी, मतलब वैसे ही तो हम लोगों ने 7:45 पूजा स्टार्ट कर दी, 8 बजे तक का मुहूर्त था। तो हम लोग यहाँ पूजा करें, गणेश लक्ष्मी भी लाए थे और मूर्ति भी थी। ये गणेश लक्ष्मी जो मैं लाई थी बहुत ही खूबसूरत, तो मुझे एक्चुअली आजकल वाइट कलर बहुत अट्रैक्ट करता अपनी तरफ, तो मैं इस बार वाइट कलर के ही भगवान की मूर्ति लेके आई थी जो कि बहुत ही खूबसूरत थे। मैं छोटे ही इसलिए लेके, मैं हर साल छोटे ही लेके आती हूँ कि घर के मंदिर में लोग बोलते हैं कि बड़े भगवान को नहीं रखना चाहिए, छोटे रखना चाहिए। पहले मुझे ऐसा नहीं पता था, पहले मुझे लगता था और बड़े, पर एक बार किसी आंटी ने मुझे बोला कि घर में छोटे नहीं रखे जाते हैं, बड़े नहीं रखे जाते हैं, तो फिर तब से मैं छोटे ही लाने लगी। तो यहाँ पर जो नॉर्मल पूजा आप लोग करते हैं, चंदन बंदन स्नान भोग वगैरह आरती और जो भी होता है जिस तरह हवन वगैरह मतलब जो भी होता है आप लोग करते, वैसे ही 5 दिए जलाए जाते हैं, पहले घी के, फिर 5 उसके तेल के, फिर एक सूरज चंद मतलब सारे यदि देवी देवता उनके अलग दिए जलाए जाते हैं, बाकी इसके बाद जो जितने आपको दिए लगाने हो उतने लगाए जाते हैं। तो यही पूजा से हम लोग करते हुए, एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा पूजा की नॉलेज नहीं है, मतलब ऐसा कि मैं प्रॉपर कर पाती हूँ, पर जो भी मुझे पता होता बस भगवान से मन से करती हूँ पूजा, बोलती हूँ भगवान सबकी लाइफ में हमेशा खुशियाँ बनी रहे और सब लोग खुश रहें। हाँ बेटा और दिख रहे उसमें वो दिया जला लो, दिया जला लो, अरे वो बंद हो गया ना। चलो
वक्तुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव। सही से नहीं चलती हैं तो मैं हमेशा गोल बत्ती जो मैं रेगुलर पूजा में यूज़ करती हूँ मैं वही रेगुलर बत्ती यूज़ करती हूँ। और मैं यहाँ पे दिए जलाई, मैं बहुत सारे दिए मंगाए थे, इस बार लाइट नहीं लगाई थी क्योंकि मैं लाइट के मतलब मुझे उतनी पसंद नहीं लाइट, लेकिन मुझे दिए जलाना बहुत पसंद था। मैं पूरे घर में दिए चलाने वाली थी तो मैंने बहुत सारे दिए मंगाए थे। मैं खुद खरीद के लाई थी, इसके बाद मैंने जो प्लेन दिए होते वो मंगाए थे मार्केट से, जो कि ये लेके आए थे क्लिनिक से, वहाँ पे कुम्हार की जो शॉप्स होती है वो बहुत बड़ी बड़ी शॉप है, तो वहाँ से आ गए थे। तो बस उनकी प्रिपरेशन मैं कर रही थी, ये लोग वहाँ जाके चाचा वगैरह आ गए थे तो बातें बातें हो रही थी, उनसे बातें करने लगे जाके, तो मुझे अकेले सब करना पड़ा। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी कि सारे जब इकट्ठे इसमें दही और घी डाल के सब इकट्ठा कर लूँगी, घी या तेल, और इसके बाद फिर इनको एक साथ जला के फिर ऊपर ले जाऊँगी, नीचे बाहर सब जगह इनको लगा दूंगी। यही मतलब मुझे बहुत अच्छा पार्ट लगता है, दिए जलाने वाला, मोमबत्ती लगाने वाला। मुझे आज भी मतलब वो बचपन जैसा, बचपन से उत्सुकता होती है कि मतलब कैंडल लगानी है, मोमबत्ती लगानी है। तो पहले साथ छोटी थी तब तो मतलब बोलते हैं ना एक दिन पहले या लगा दिए जाते थे, मतलब बहुत सारे कैंडल पूरी जहाँ पे ऊपर से लेके नीचे तक, फिर दूसरे दिन इसको जलाते थे और नेक्स्ट डे फिर से यही प्रोसेस करते थे कि अगले दिन फिर से जलाना होता था। तीन दिन तक लगातार हम लोग जलाते थे, तीन दिन तक ही क्रैकर्स जलाते थे। अब तो मैंने क्रैकर्स इस बार बिल्कुल भी नहीं जलाया और मुझे पसंद नहीं अब क्रैकर जलाना, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉल्यूशन तो करता ही है। और अब मैं थोड़ा सा शायद मैच्योर हो गई तो इन सब चीज़ों की तरफ मन नहीं करता है। बस अर्जुन ने थोड़े बस पॉप अप जलाए हुए थे और इसके बाद हम दोनों ने कुछ भी क्रैकर्स नहीं जलाए, बस पूजा ऊजा की, इसके बाद खाया जा पिया जाएगा। और ये देखिए मेरे भगवान जी हैं, जो कि मैंने अखे लड्डू गोपाल हमारे हर जगह जाती है, ये दिए जो मैं लेके थे बहुत सुंदर थे, आंटी मैंने बेचारे के और ले लिए मैंने, आंटी बहुत सारे मैंने ले लिए हैं दूसरी जगह से, मुझे पता होता तो मैं आपसे ले लेती। ये हवन हुआ, फिर इसके बाद ये दिए जो मैन दिए होते हैं वो जलाए गए, इसके बाद पूजा का सामान सब कुछ आपको दिखा रही, जो जो मैंने या जो जो मेरे पास था। और इस तरीके से मैंने बहुत सारे दिए जलाए थे, मतलब ये तो एक हिस्सा है और बाकी रखे हुए थे अलग, और सब कुछ था, मतलब पूजा हमारी अच्छे से संपन्न हो गई थी। और इसके बाद अब हम जा रहे हैं ऊपर दिए लेके, और मैंने अर्जुन के पापा से पूरा वीडियो बना दिया, अगर मेरे से उल्टा वीडियो बनाते थे कि मुझे उल्टा ही कर देते हैं, तो मैं कभी भी बोलती तो कभी भी उनका वीडियो पता नहीं, मैं उनको इंस्ट्रक्शन देती रहती हूँ ऐसा करो ऐसा करो, बोले अरे यार कुछ भी बोले, तुम्हारी वीडियो के चक्कर में सारे काम लेट होते हैं यार क्या करती हो। मैंने कहा यार क्या करूँ, आज पढ़ के एक्चुअली मैं बहुत बार सोचती चलो नहीं बनाऊँगी ब्लॉग कुछ नहीं यार क्यों करती हूँ, मैं बनाऊँगी नहीं यूट्यूब से कुछ नहीं करूँ मुझे बता, लेकिन फिर सोचती अरे यार आदत पड़ गई है ना तो मैं फिर कर ही लेती हूँ। तो मेरा सारे दिए जल गए, आगे वो देखे वो दिए उधर और भी रखे, पर इनको उधर लगा के आती हूँ फिर और दिए जलाने होंगे, तो बस यही प्रोसेस चलता रहता है और उसमें मज़ा आता है। दीपावली हर घर में और खुशियाँ मिलेंगी। और मैंने डेकोरेशन में शिफ्ट किया था टी वी कैमरे बहुत ही जो कोड़ा देख रही, जो मैंने आगरा से लिया था बहुत ही सुंदर, बहुत लंबा है इसको टांगने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है। और ये है पापा की फ़ोटो, साथ में बोलते हैं अपने पूर्व भी करनी चाहिए जो कि घर में करना अच्छा होता है, तो बस वही किया। इसके बाद हम जा रहे हैं अब लगाएंगे दिए, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है तो इसलिए मैं थोड़ा स्माइल कर रही हूँ, और क्योंकि मैंने बोले तो फोटो खींचे दिए के साथ। ये परंपरा है कि सूप में ही दिए मतलब रख के जलाने चाहिए और ले जाने चाहिए, तो ये शगुन होता है, तो मैं इसको सबसे पहले सूप में ले जाऊँगी, इसके बाद सारे प्लेट्स में ट्रे में कहीं से लिए जाऊँ, तो बस इसीलिए आज मतलब बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि कैमरा मैन नहीं होता तो मेरे वीडियो बना पा रही थी, क्योंकि वीडियो कभी नहीं बन पाते हैं मेरे कि मैं वीडियो लगा रही हूँ या फिर कुछ भी काम करती हूँ, मेरे कोई डर पीछे से मतलब बना रहा हो वीडियो तो ऐसा नहीं होता है। इस बार एक नर्जी पापा ने मैंने थोड़ा बोला तो वो कर देता, अगर मैं उनको बोलती तो वो कर देते, पर अपने मन से कभी नहीं सोचते कि मैं हेल्प करूँ यूट्यूब वीडियो में या फिर
बहुत इंटरेस्ट नहीं है, बोल रही मुझे रोकते भी नहीं है, पर खुद को भी इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा है सीन है हमारे यहाँ, पर मेरी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, तो चलो तुम्हें अच्छा लग रहा है तो मेरे लिए कुछ भी करो, तो मम्मी बैठ गई थी और मेरा समझा रहे जिनकी तबीयत नहीं थी और जिनको मैंने रेडी भी नहीं किया, वो रेडी भी हुआ ही नहीं एक्चुअली, वो रो रहा था वो, तो बस हो गई है हमारी पूजा, अब हम पहुँच के ऊपर और देखिए कितना ही खूबसूरत सब कुछ लग रहा है, फिर मेरी क्योंकि दरवाजे पर लाइट नहीं पड़ी थी, टाइम ही नहीं मिला इस बार डालने का, ऐसे भैया हुआ करते थे पहले तो वो बहुत 2-3 दिन पहले से यार डलवाते करते थे, उनको बहुत शौक था चीज़ का और मुझे भी इतना नहीं है, इनके पास टाइम ही नहीं होता है, तो बस दिनों से ही इस बार काम चला गया, नेक्स्ट ईयर मैं खुद से ही कर दिया करूँगी बुला। पूजा होने के बाद अब अर्जुन यहाँ से जिनके पापा बुआ दादी के यहाँ के छोटे बाबा के यहाँ तो वहाँ पे ट्रैकर चलाए गुनगुन के साथ, और ये बुआ की नाती है, पोती पोती मतलब जो भी बोलते हैं वो है, तो अर्जुन मतलब जमीन में जो कोई मिलता नहीं है, जैसे जो कोई मिल जाता है जो बहुत हैप्पी हो जाते हैं, तो अर्जुन वहाँ जाते घर में, तो अर्जुन ने पूजा हो गई है संपन्न और किसी से सिंपल सा मेकअप लुक, मैं हमेशा सोचती हूँ मैं मेकअप लुक डालूंगी पर इतनी जल्दी में मैं खुद ही मेकअप नहीं कर पाती, मैंने लिटरली सिर्फ लिप कलर लगाया है और कुछ नहीं किया क्योंकि इतना काम हो जाता है हॉस्टल भागते भागते, तो मेरा खाना भी बन गया है जो कि मैंने जिमीकंद बनाया था, मैं दिखाती हूँ अभी आप जिमीकंद की सब्जी जो मैंने खूब बना दी, लोग बोलते हैं गली में फंसता है लगता है, इधर ही बन गया है, इधर मैंने भटूरे का आटा और गैस पर मजा आई बहुत सारा खाना बनाया, इतनी गंदा है ये आटा गूंद के रखा हुआ है, और बनाए हुए हैं मैंने छोले, मैंने ये बनाई है बर्फी क्योंकि बहुत टेस्टी बनी है, और ये सब सामान रखा हुआ जो कि मुझे अनबॉक्सिंग करने थे वो यही सामान था, और ये पूजा संपन्न होगी पापा हैं, हाँ ये सब लेके रहते हैं, इस तरीके से